मोदी जी का फोटो ये सर्टिफिकेट में लाना बहुत ज़रूरी है ये पॉलिटिकल माइलेज लेना क्या बहुत ज़रूरी है अगर नहीं है तो जो जो साइंटिस्ट जो लोग ये वैक्सीन इतना जल्दी हम लोगों के पास इंडिया में दिए उनका नाम कितने लोग जानते हैं यहाँ पे कितने लोग जानते हैं मुझे तुम नहीं मालूम अगर नहीं मालूम है तो उस फोटो के जगह पे दस साइंटिस्ट का फोटो नहीं लगा सकते लेकिन नाम तो दे सकते ना तो अगर वो दे तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल नहीं है ये सचमुच इंसानियत का काम होगा एक तो जैसे अभी स्कूल ऑफिस सब खोल गए ओमिक्रोनारे उसके लिए क्या स्टेप सरकार अभी से ले रहे, जिसमें नॉर्मल सी जिंदगी हम लोग को चाहिए लेकिन कैसे नॉर्मल सी जिंदगी आए वो कैसे कम हो इसके लिए क्या स्टेप लिया सेकेंडली बच्चे का जो एजुकेशन हुआ जो एजुकेशन सिस्टम बदल गए जो बच्चे दो साल स्कूल गए दो साल नहीं गए जो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे 95 परसेंट मार्क्स मिलते थे वो ऑनलाइन स्कूल कॉलेज इसके लिए उसको 25 मिल रहे और जो सिस्टम के लिए जिसके 25 मिल रहे थे उसको 95 चले गए अल्टीमेटली इसका साइड इफेक्ट्स है उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है वैक्सीन तो है ऑक्सीजन ये सब तो है जो बोल रहे सब लेकिन इसके अलावा भी जो इफेक्ट जिसका कोरोना हुआ उसके लिए और मेंटली जो इफेक्ट हुआ सबके ये कोविड के वजह से ये पैंडमिक के वजह से ये क्वारंटाइन uh, के वजह से ज़िंदगी बदल गया इसके जो साइकोलॉजिकल uh, इफ़ेक्ट वो भी हम लोग का सोसाइटी में कितना असर हो रहा है क्या हो रहा है उसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और जो बोलते अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक खराब जीडीपी डाउन वो तो uh, चल रहे थे बहुत पहले से चल रहे थे ये कोविड सरकार को हेल्प भी की है इसके बचने के लिए बोल सकते ये हुआ क्योंकि कोविड आए ये हुआ क्योंकि कोविड आए लेकिन मैं एक सर्वे बता रही हूँ 2012 से 2020 में कोविड होने से पहले 76 मिलियन मतलब 750 करोड़ लोग नया जो बी में इंक्लूड हुआ जिसका नाम मतलब ये कोविड से पहले इसका मतलब इकोनॉमी वापस लाने के लिए सरकार क्या करे ये जानना भी बहुत जरूरी है अगर आप बोलेंगे लोन दे रहे ये लोन के चक्कर में ऐसे भी हुआ जो बैंक में तीन महीने का ई बोला माफ़ किया माफ़ नहीं किए तीन महीने वो लास्ट में एंड में उसको ऐड किए तो मतलब माफ़ नहीं हुआ तो अभी लोन किसी का हाल ऐसा नहीं है लोन लो या लोन रिपे करें तो इसके लिए अलग से क्या सोचना है सरकार का ये बताना बहुत ज़रूरी है एक कोवैक्सीन इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक थ्री ट्वेंटी डील ब्राजील से किया था जो 20 मिलियन डोज देने के लिए वन पॉइंट थ्री फोर टू फिफ्टीन पर डोज उसका रेट हुआ उसमें ब्राज़ील के प्रेसिसा मेडिका मेडिका मेंटोज़ बोल के ब्राज़ील का एक कंपनी के साथ डील हुआ जो भारत बायोमेट्रिक उसके लिए बा, ब्राज़ील में अभी करप्शन का नाम आया इसमें इंडिया गवर्नमेंट भी जोग है उसके साथ क्योंकि वो उनको दिए थे उसके लिए गवर्नमेंट क्यों चुप है उसको एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे ये बताना बहुत ज़रूरी है और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बूस्टर देंगे वो कैसे देंगे कितने देंगे कहाँ तक पहुँचेंगे कितने लोगों का, कितना टाइम में पहुँचेंगे ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है मुझे ख़त्म करने से दो क्वेश्चन ही मोदी जी के पास है एक तो वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुआ इतने बार हम लोग का मेरा आ, नेत्री ममता बनर्जी ने बताया था फेज कम करो इतना फेज में इलेक्शन हुआ जितने बार प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर लोग गए वहां पे कितने स्प्रेड किया ये कभी उन्होंने सोचा और अगर सोचा तो सॉरी क्यों नहीं बताया क्यों नहीं बोले सबके सामने हाँ मेरे लिए इतने लोगों को स्प्रेड हुआ है ये मानना चाहिए